नहीं, श्री अखिलेश यादव जी को आना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। कल तो ये कह सकते हैं कि आदरणीय नेताजी के मुलायम सिंह जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मतदान करना था, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन आज अगर वो नहीं आते हैं तो एक जो किसी भी पद की गंभीरता है, नेता प्रतिपक्ष माने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उनको सदन में रहना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं उनसे भी आप लोग पूछवा लीजिएगा, मुझे लगता रहना चाहिए था। आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम जो है वहाँ गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम इधर उधर की जा रही है, तो क्या पहरेदारी कर रहे हैं क्या वहाँ पे? मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। ये अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश के जो अधूरी परियोजनाएं थी उनको हम पूरा करेंगे, औद्योगिक विकास को गति देंगे और प्रयागराज में जो महाकुंभ होने जा रहा है उसकी परियोजनाओं को भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं 2025 के महाकुंभ के लिए। हमारी सरकार लगातार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए और प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग से बजट रखा है और लगभग सभी विभागों को ऐतिहासिक महत्व देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, उस दिशा में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ये उनका प्रभु है, समाजवादी पार्टी के लिए प्रदेश प्रथम नहीं है, उनकी परिवार प्रथम है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर में बदलाव लाना प्राथमिकता है। उनका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, इसलिए आप जानते हैं जब वो हारते हैं तो ईवीएम पर खींच निकालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, निष्पक्षता के साथ लोकतंत्र में भरोसा रखती है, हम सबका सम्मान करते हैं, जबकि विपक्षी दल सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए चुनाव लड़ते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।